अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायरी इन्फॉर्मेशन के देखने और सुनने वालों को दिल के दागड़ाइयों से खुश आमदीद कहते हैं। कुर्बानी का मसनून तरीका, अपनी कुर्बानी को खुद अपने हाथ से ज़बह करना अफजल है। अगर खुद ज़बह करना नहीं जानता तो दूसरे से ज़बह करा सकता है, मगर ज़बह के वक़्त वहाँ खुद भी हाजिर रहना अफजल है। कुर्बानी की नियत सिर्फ दिल से करना काफ़ी नहीं, जुबान से कहना भी ज़रूरी है। अलबत्ता ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है। सुन्नत है कि जब जानवर ज़बह करने के लिए किबला रूट आया जाए तो ये दुआ पढ़े। ज़बह करने के बाद ये दुआ पढ़े। तर्जमा, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए, जिस तरह आपने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने हलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया था। अगर किसी और की जानब से कुर्बानी कर रहा हो तो मनी की बजाय मिन कहे और इसके बाद इनका नाम ले या सब की तरफ से नियत करके मिन ना कह ले। आदाब कुर्बानी, कुर्बानी के जानवर को चंद रोज़ पहले से पालना अफजल है। कुर्बानी के जानवर का दूध निकालना या इसके बाल काटना जायज़ नहीं। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो दूध और बाल या इनकी कीमत का सदका करना वाजिब है। कुर्बानी से पहले छुरी को खूब तेज कर लें और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें, और ज़बह के बाद खाल उतारने और गोश्त के टुकड़े करने में जल्दी ना करें जब तक पूरी तरह जानवर ठंडा ना हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शायरी इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।